हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज भी है रेडॉक्स रिएक्शन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देखो, क्वेश्चन नंबर वन में क्या है कि एसएन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमको फाइंड आउट करना है। तो एसएन को क्या माने, एक्स C2O4 माइनस को ऑक्सीलेट बोलते हैं। ये क्या होता है, C2O4 माइनस टू होता है। तो जो चार्ज होता है वही उसका क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस टू इंटू थ्री इक्वल टू जो चार्ज है वो इस साइड लिख दिया जाएगा। यहाँ पे सॉल्व किया जाए तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिक्स माइनस का तो उधर जाएगा क्या होगा, प्लस सिक्स माइनस फोर, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस टू। एक्स इक्वल टू क्या आ गया, प्लस टू, यानी एसएन क्या आ गया, प्लस टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आयरन को एक्स मानोगे, साइनाइड जो होता है वो सी एन माइनस होता है, सी एन माइनस होता है, जो चार्ज होगा वही ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ कितना लिखोगे, माइनस वन इंटू सिक्स क्योंकि सिक्स है, इक्वल टू चार्ज क्या दिया हुआ, माइनस फोर। तो यहाँ एक्स इक्वल टू सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिक्स माइनस फोर इक्वल टू, एक्स इक्वल टू क्या आ गया, प्लस टू। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर में पूछता है फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, किसका पूछता है, क्लोरीन। तो इस केस में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर से सॉल्व करते हैं, किससे सॉल्व करते हैं, स्ट्रक्चर से, सी ए ओ सी एल और इधर भी क्या लिखते हैं, सी एल। तो हम लोग जानते हैं हैलोजन फैमिली का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, माइनस वन। तो इस केस में क्लोरीन अगर माइनस वन बनाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस वन के चलते इसके ऊपर प्लस वन, और ये किस फैमिली का है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, जिसका वैलेंसी कितना होता है, प्लस टू। अब यहाँ पे देखो, इस केस में क्या होता है, ऑक्सीजन और क्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम कौन सा होता है। तो हम लोग को पता है कि ऑक्सीजन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिव लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, इंक्रीज होता है, और टॉप टू बॉटम आने पर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर मान लो क्या है, फ्लोरीन, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ क्या होता है, क्लोरीन। फ्लोरीन कितना होता है, फोर, तो 0.5 डिग्रीज कर दो, ये कितना होगा, 3.5, और क्लोरीन कितना होता है, थ्री। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम जो होगा वो नेगेटिव ही शो करेगा। तो इस केस में ऑक्सीजन क्या शो करेगा, माइनस टू, और हेलोजन फैमिली वाले जो आइटम है उसके सामने वाला किसे बदल जाएगा, प्लस। तो ये ओवरऑल सब्ट्रैक्ट होकर क्या देगा, माइनस वन। अब इस माइनस वन के चलते यहाँ पर क्या आया, प्लस वन, इसलिए कैल्शियम पे कितना चार्ज आ गया, प्लस टू। तो क्लोरीन का दो दो ऑक्सीडेशन स्टेट आया, क्लोरीन क्या आया, एक माइनस वन और एक प्लस वन, एक माइनस वन और एक प्लस वन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, NOCl। अब NOCl में हमको ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होता है, नाइट्रोजन क्या होता है, पांच, मतलब नाइट्रोजन क्या होता है, सेवन एटॉमिक नंबर, तो 2.5 बचता। तो यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, तीन एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, एन डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड सी एल बनाएगा। तो हम लोग को मालूम है हेलोजन में ये क्या आएगा, माइनस वन, और ये ऑक्सीजन क्या आएगा, माइनस टू। तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, माइनस वन के चलते इधर साइड क्या आया, प्लस वन, और माइनस वन के चलते इधर साइड क्या आया, प्लस वन, माइनस टू के चलते प्लस टू। तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस थ्री। अब नेक्स्ट है, उसके लिए मुझे रफ करना पड़ेगा, नेक्स्ट एग्जांपल फाइव, इसको रफ किया जाए, इसको भी रफ कर देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइव। तो फाइव के लिए क्या है, Na2FeCN5NO। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आता है। लेकिन यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकलता किसे है। तो इसमें आयरन को क्या माना जाए, एक्स मानोगे, और सोडियम अल्कली मेटल होता है, उसका बैलेंसी कितना होता है, वन। जब सोडियम का बैलेंसी वन होता है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, वन इंटू टू प्लस
साइनाइड अभी बताए थे, साइनाइड पे क्या चार्ज आता है माइनस वन का, और NO के ऊपर भी चार्ज आता है प्लस वन का। CN के ऊपर माइनस वन का, NO के ऊपर क्या आता है प्लस वन का। साइनाइड क्या लिखोगे माइनस वन इंटू फाइव प्लस NO क्या लिखोगे प्लस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ पे सॉल्व करोगे क्या लिखोगे टू प्लस एक्स माइनस फाइव प्लस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या आ जाएगा x इक्वल टू टू और वन क्या आ जाएगा थ्री, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस फाइव से क्या हो जाएगा माइनस टू, और इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस टू। अब एग्जाम्पल नंबर सिक्स है, ये भी बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। सिक्स में क्या है एग्जाम्पल नंबर सिक्स, NH4NO3। तो इसमें बोल रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का बताने के लिए, किसका नाइट्रोजन का। तो हम क्या करते हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं कि चार्ज ट्रांसफर होता, यहाँ पे भी कुछ चार्ज नहीं मतलब क्या है वन, और यहाँ पे भी कुछ नहीं मतलब क्या है वन, तो वन का ट्रांसफर इधर किया जाए और वन का ट्रांसफर इधर किया जाए, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा NH4 प्लस बनाएगा और ये क्या बनाएगा NO3 माइनस। अब हर एक केस में हम लोग नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो क्या आएगा नाइट्रोजन एक्स, हाइड्रोजन क्या होता है वन इंटू फोर इक्वल टू चार्ज, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस फोर, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस फोर, और प्लस वन सेपरेट होगा तो एक्स इक्वल टू क्या देगा माइनस थ्री। और NO3 के केस में नाइट्रोजन को एक्स माने, ऑक्सीजन क्या होगा माइनस टू इंटू थ्री इक्वल टू माइनस वन, क्या होगा माइनस वन, क्योंकि चार्ज क्या है माइनस वन। अब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो एक्स वैल्यू क्या आ जाएगा सिक्स माइनस वन, तो एक्स वैल्यू क्या आ गया प्लस फाइव। तो नाइट्रोजन का दो दो ऑक्सीडेशन स्टेट आया, एक क्या आया माइनस थ्री और एक क्या आया प्लस फाइव। क्लियर। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर एट, सिक्स सेवन बता रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर एट दैट इज कॉल्ड हाइड्राजीन NH2NH2। इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, तो यहाँ पे क्या किया जाए NH2NH2, यहाँ नाइट्रोजन को क्या मानो X, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा X प्लस दो हाइड्रोजन, तो वन इंटू टू प्लस वन इंटू टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ क्या आ गया 2x और 1 इंटू टू और 1 इंटू टू क्या आ जाएगा 4, इक्वल के उधर सेट जाएगा क्या होगा माइनस फोर, एक्स इक्वल टू क्या दे देगा माइनस फोर बाई टू इक्वल टू माइनस टू, माइनस फोर बाई टू इक्वल टू क्या दिया माइनस टू। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट। अब नेक्स्ट है NO, एग्जाम्पल नंबर सेवन, इसको रफ किया जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है NO ClO4। तो इसमें हमको ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन और क्लोरीन का भी बताना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं मतलब क्या क्या वन है, इसका ट्रांसफर इधर और इसका ट्रांसफर इधर, तो NO के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा प्लस का, और ClO4 के ऊपर क्या आ जाएगा माइनस। तो यहाँ नाइट्रोजन का निकल जाएगा, नाइट्रोजन का एक्स मानो, ऑक्सीजन क्या होता है माइनस टू इक्वल टू क्या लिखोगे प्लस वन, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस थ्री, माइनस टू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस टू, और प्लस टू और वन क्या आ जाएगा प्लस थ्री। यहाँ पे हाइड्रोजन को एक्स मानो, ऑक्सीजन क्या होगा माइनस टू इंटू फोर इक्वल टू क्या है माइनस वन, माइनस वन चार्ज, तो यहाँ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस एट, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस एट, प्लस एट माइनस वन, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया प्लस सेवन। तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया दो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। मैं इसको स्ट्रक्चर में बता चुका हूँ, स्ट्रक्चर से फाइंड आउट कैसे किया जाता है, बट इसको नाम से भी बहुत बार पूछता है, इसलिए नाम से एक्सप्लेन करते हैं। क्रोमियम परऑक्साइड, कैरोज एसिड, ओलियम या मार्शल्स एसिड। तो पहले क्रोमियम परऑक्साइड का देखो, क्रोमियम परऑक्साइड का मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है CrO5। इसको हम बोले थे बटरफ्लाई स्ट्रक्चर,
जिसका रंग डीप ब्लू होता है। इसमें क्या होता है, क्रोमियम CrO5 का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हम बोले थे नॉर्मली निकालते हैं, तो इसको x मानोगे ऑक्सीजन 2-5 इक्वल टू क्या होता है 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा +10। बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि क्रोमियम कितना होता है 24, इलेक्ट्रॉनिकों में क्या लिखते हैं 4s1 3d5, तो ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना शो कर सकता है +6, कितना शो कर सकता है +6। तो ये 10 दे रहा है, मतलब क्या दे रहा है रॉन्ग। जब कभी अपना ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आ रहा है तो उस केस में हमेशा याद रखना उसमें परऑक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा, परऑक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो उस केस में क्या होता है, इसको स्ट्रक्चर से सॉल्व करते हैं, सीआर डबल बॉन्ड ओ ओ ओ, इसमें परऑक्साइड बॉन्ड और इसमें परऑक्साइड बॉन्ड। तो इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट -2, -1, -1, -1, -1 और -1। अब -2 से यहाँ पे आएगा तो क्या होगा +2, -1 से यहाँ पे आएगा +1, -1 से यहाँ आएगा तो +1, -1 से यहाँ आएगा तो +1, -1 से यहाँ आएगा तो +1। ओवरऑल क्या दे रहा है +6, यानी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया +6। कैरोज एसिड, इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है H2SO5, ये पढ़ चुके हैं। अब इसमें देखो H2SO5 में इसका सल्फर को अगर X मानते हो तो हाइड्रोजन क्या होता है 1, 2 से मल्टीप्लाई होगा क्या देगा 2, ऑक्सीजन क्या होगा -2 × 5 इक्वल टू क्या लिखोगे 0। अब यहां सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 10 -10 और ये कितना आएगा 2, सब्ट्रैक्ट होगा तो x इक्वल टू क्या देगा +8। और हम लोग जानते हैं सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है ओल्ड स्टाइल से टीपो, कितना होता है ऑक्सीजन 8 होता है, मतलब 2.6 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दे सकता है 6, इस फैमिली के जितने भी हो गए 6 देंगे। इसका मतलब क्या है, इसको स्ट्रक्चर से सॉल्व किया जाए और जिसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका मतलब उसमें क्या है परऑक्साइड बॉन्ड। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए, एच डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओ ओ एच ओ और एच, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले थे कितना आया 8, और हम लोग जानते हैं कि सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है 6, हम लोग देखे हुए ऑक्सीजन फैमिली में। अब यहाँ पे 6 है, इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी मैक्सिमम आता है इसका मतलब है कि उसका रॉन्ग ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, उसको राइट में बदलने के लिए मतलब उसमें डेफिनेटली परऑक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा। परऑक्साइड बॉन्ड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या पढ़े हैं कि -1 और -1 होता है, हाइड्रोजन क्या हो गया +1, ऑक्सीजन क्या हो गया -2, ये भी -2 और OH पूरा क्या होता है -1। इसको अलजेब्रा से सेम सॉल्व करोगे तो -1 और +1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, वैसे कैलकुलेशन सॉल्व करोगे तो ओवरऑल यहाँ पे क्या बच रहा है -2 से +2, -1 से +1, -2 से +2 और -1 से +1, ओवरऑल क्या आ रहा है +6 ऑक्सीडेशन। ठीक है, नेक्स्ट है ओलियम, और इसका कॉमन नेमिंग, इसका मतलब नेम भी होता है पर जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कल बताए थे जिसका ज्यादा आ जाए, 6 होता है मैक्सिमम, उससे भी ज्यादा आ जाए, उससे पहले क्या बोले थे पर मोनो सल्फ्यूरिक पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सो ग्रुप है पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड या पर सल्फ्यूरिक एसिड भी बोल सकते हो, क्लियर। अब नेक्स्ट है ओलियम, अब नेक्स्ट है ओलियम, अब ओलियम का ऑक्सीडेश ओलियम का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2O7। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमको फाइंड आउट करना होगा, उसके लिए हमको क्या करना होगा, सल्फर है H डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, बीच में O, H डबल बॉन्ड ओ, इधर क्या आ जाएगा OH, ऑक्सीजन कितना था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 7, 2 हाइड्रोजन और 2 सल्फर, क्लियर। अब इसमें OH के ऊपर क्या चार्ज आएगा -1, यहाँ पे -2,
यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, माइनस टू, यहाँ पे माइनस टू, माइनस टू, माइनस वन, और यहाँ पे ऑक्सी एसिडिक, उसके इसमें भी क्या होता है माइनस वन। तो यहाँ पे ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, माइनस वन के चलते प्लस वन, माइनस वन के चलते प्लस वन, माइनस टू के चलते प्लस टू, और माइनस टू के चलते प्लस टू, ओवरऑल क्या दे रहा है प्लस सिक्स। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा प्लस सिक्स। मार्शल्स एसिड या इस मार्शल्स एसिड या इसी को हम लोग क्या बोले थे, परोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, परोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2O8। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो सल्फर कितना है, दो, OH दो बार लिखे, या इसको इसका स्ट्रक्चर डायरेक्ट मैं बना रहा हूँ, क्योंकि पिछले क्लास में मैं बता चुका हूँ इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, यहाँ पे माइनस टू, यहाँ पे माइनस टू, OH क्या होता है माइनस वन, और परोक्साइड के केस में क्या होता है माइनस वन, माइनस वन, यहाँ पे माइनस टू ऑक्सीजन, यहाँ पे माइनस टू, और यहाँ पे माइनस वन। तो उस केस में ये ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दे रहा है, माइनस टू से प्लस टू, ये भी माइनस टू से प्लस टू, माइनस वन से प्लस वन, और माइनस वन से प्लस वन, यानी सॉरी माइनस वन से प्लस वन। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया प्लस सिक्स का, मतलब यहाँ पे भी सल्फर क्या हो गया प्लस सिक्स, और यहाँ पे भी सल्फर क्या हो गया प्लस सिक्स। अच्छा एक फार्मूला मैं बताता हूँ, इसको जो सॉल्व करते हैं परऑक्साइड बॉन्ड सॉल्व करते हैं, परऑक्साइड बॉन्ड को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला है कि पता कैसे करते हैं। तो देखो परऑक्साइड बॉन्ड या परऑक्सो बॉन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इक्वल टू, पोस्ट में लिखो रॉन्ग ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस माइनस करेक्ट इसको परऑक्साइड बॉन्ड इक्वल टू नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इक्वल टू रॉन्ग ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट और डिवाइडेड बाई पूरे का क्या करेंगे टू। इससे कैरो एसिड में क्या होता था H2SO5 या H3PO5, या तुम सॉल्व कर सकते थे इसका H2O8। यहाँ पे H2SO5 में सल्फर सेंट्रल मेटल एटम है कितना है वन, कितना है वन, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम क्या लिखोगे वन माइनस रॉन्ग ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं ना, H2SO5 इसको X मानोगे, हाइड्रोजन क्या होता है 2 प्लस 2 हो जाएगा 1 इंटू टू, ऑक्सीजन क्या लिखोगे माइनस 2 इंटू 5 इक्वल टू 0, X वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस 10, और 2 से सब्ट्रैक्ट होगा तो X वैल्यू क्या आ जाएगा 8, यानी रॉन्ग ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है 8। और सल्फर हम लोग जानते हैं ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन कितना होता है 8, मतलब 2.6, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 6 और डिवाइडेड बाई क्या कर दें 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, 1 से मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा, मतलब 1 से यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/2 इक्वल टू 1 पर ऑक्साइड बॉन्ड। तो इसका स्ट्रक्चर भी बनाते थे, तो इसमें 1 आता था, क्या बनाते थे ओ एच डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओ ओ एच यानी 1 पर ऑक्साइड बॉन्ड। इसको सॉल्व करो, इसमें देखना 1 परऑक्साइड बॉन्ड आ जाएगा, सिर्फ सेंट्रल मेटल एटम कितना लेंगे इसके जगह पे, यहाँ पे 1 के जगह पे यहाँ पे सेंट्रल मेटल क्या लेंगे 2,
रॉन्ग ऑक्सीडेशन स्टेट सॉल्व करना इस तरह, और करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का क्या होता है 3। यहाँ फास्फोरस का सॉल्व करोगे तो फास्फोरस का रॉन्ग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो, और करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है 5। इस तरह सॉल्व करोगे तो परोक्साइड बॉन्ड फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट बेसिसिटी ऑफ H3PO2, H3PO3, H3PO4, H3PO5 या बोरिक एसिड। ठीक है, तो इस केस में सबसे पहले बेसिसिटी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ एस प्लस आयन होता है। जैसे मान ले लेते हैं H2SO4, ठीक है, तो H2SO4 में क्या होता है, एच जितना प्रेजेंट होगा वही उसका क्या कहलाता है, बेसिसिटी। तो यहां पे एच का डिफ्यूजन पहले क्या होता है एच, उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है HSO4-, फिर इसका डिसोसिएशन होता है एच प्लस प्लस HSO4-2। इसमें एच प्लस आयन कितना डोनेट किया है 2, तो इसको डायरेक्टली हम लिख सकते थे 2H प्लस प्लस HSO4-2, यानी इसका बेसिसिटी क्या बन गया, बेसिसिटी 2, जितना डोनेट कर पाए एच प्लस आयन। अगर मान लो ले लेते HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, एच प्लस सीएल माइनस, यानी एक डोनेट करेगा, इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा 1। अगर मान लो ले लेते HCN, तो यहां पे भी क्या आता है एच प्लस सीएल माइनस, यहां एक एच है तो यहां बेसिसिटी क्या हो जाता है 1। अगर मान लो ले लेते एसिटिक एसिड, तो यहां पे क्या होता है H प्लस, और पूरा एसिड इधर क्या होता है माइनस के फॉर्म में टूटता, तो H प्लस एक बेस एक H माइ एक एक H प्लस देता, इसका बेसिसिटी क्या होता 1। या लिखते कार्बोनिक एसिड H2CO3, इस केस में H प्लस कितना देता 2, तो यहां पे बेसिसिटी क्या हो जाता 2। ठीक है, तो जितना H प्लस आयन होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो उसी तरह वो सवाल है उस पर देखते हैं, बट ये एक्सेप्शन होगा। अब हर एक जगह तीन तीन दिख रहा है, तो इसका मतलब इसका बेसिसिटी 3 होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे H3PO2 है, तो H3PO2 कल बताए हुए थे फास्फोरस में सबसे पहला चीज पी डबल बॉन्ड O और एक OH बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट, पी डबल बॉन्ड O और वन OH बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट। तो इसको लिखो पी डबल बॉन्ड O और क्या लिखेगा, एक OH बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट। अब यहां पर क्या है, ऑक्सीजन 2 था, 2 यूज हो गया, और हाइड्रोजन कितना बचा, 1 यूज हुआ, यानी 2 बचा हुआ है, एक एच और एक एच लिखे। तो बेसिसिटी डिपेंड्स अपॉन ओएच माइनस, तो इस केस में फास्फोरस जो है ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, तो उस केस में क्या होगा, ये एच प्लस आयन को लूज कर देगा, तो इसका एक एच प्लस आयन बाहर हो जाएगा, उस केस में बेसिसिटी कितना बनेगा 1। तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जिसमें जितना ओएच बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसका क्या होगा, वो बेसिसिटी कहलाएगा। तो यहां पर बेसिसिटी क्या हो जाएगा 1। और यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा 2। रिड्यूसिंग एजेंट डिपेंड अपॉन एच, कितना एच है। उसके बाद H3PO3, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी बताए हुए थे, ये 1, ये भी प्लस 1, ये माइनस 1 और ये माइनस 2। प्लस से माइनस कैंसिल आउट, अलजेब्रिक सम करोगे तो प्लस माइनस सॉल्व हो जाएगा, या इसको हाइड्रोजन क्या होता है 3 प्लस फास्फोरस क्या होगा x मानोगे, ऑक्सीजन क्या लिखोगे -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू सॉल्व करोगे क्या आएगा +1। तो यहां पे क्या हुआ, प्लस माइनस कट गया और यहां पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा +1। क्लियर। अब नेक्स्ट है H3PO3, इसको सॉल्व करोगे पी डबल बॉन्ड O OH मस्ट बी प्रेजेंट। अब यहां पे कितना ऑक्सीजन बचा है, एक ऑक्सीजन बच रहा है और 2 हाइड्रोजन बच रहा है, तो यहां पे एक OH लिख दो और यहां पे क्या लिखोगे H। तो यहां पे बेसिसिटी OH ग्रुप कितना है 2, तो यहां बेसिसिटी क्या हो गया 2 का, और रिड्यूसिंग एजेंट कितना हो गया 1 का। H3PO4 को लिखोगे क्या लिखोगे पी डबल बॉन्ड O, और इधर क्या लिखोगे OH मस्ट बी प्रेजेंट होना चाहिए फास्फोरस के लिए। अब यहां पे क्या बचा, ऑक्सीजन 2 बच रहा है और 2 यूज हो गया, तो कितना ऑक्सीजन बच रहा है 2, और हाइड्रोजन 2 बच रहा है, इस केस में क्या आ जाएगा OH, और यहां पे भी क्या आ जाएगा OH, यानी बेसिसिटी कितना हो गया
थ्री और रिड्यूसिंग एजेंट आर जीरो। नेक्स्ट है H3PO5। तो H3PO5 का स्ट्रक्चर हम लोग को पता है क्योंकि इसमें क्या बोले थे अभी, परऑक्साइड बॉन्ड होगा, तो उस केस में क्या बनाओगे, पी डबल बॉन्ड O, एक OH O O और क्या लिखोगे H। तो इस केस में बेसिसिटी कितना बन जाएगा, 1, 2, और इसको भी कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे बेसिसिटी क्या बन जाएगा, 3। क्लियर। अब नेक्स्ट है बोरिक एसिड, दैट इज इंपॉर्टेंट। इस केस में भी क्या होता है, 3H है, इसका मतलब बेसिसिटी कितना होना चाहिए, 3, बट इसका बेसिसिटी जो होता है 1 होता है, ये मोनोबेसिक कहलाता है हमेशा, ये एक्सेप्शन है, दिखाते हैं। अब इसमें देखो बोरिक एसिड, इस क्या होता है H3PO3, इसका स्ट्रक्चर बनता है B OH OH OH, यानी 3 OH ग्रुप दिख रहा है, तो इसका मतलब बेसिसिटी 3 होना चाहिए, बट इस केस में ऐसा होता नहीं है क्योंकि बोरन के पास 2p ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है, क्योंकि बोरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5, 1s2, 2s2, 2p1, यानी इसमें 2p ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है, p में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो p ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है, उस केस में क्या होगा, p ऑर्बिटल क्या है, इसमें 2p वाला जो ऑर्बिटल है वो क्या है, वैकेंट, जिसके चलते ये क्या होता है, लुईस एसिड कहलाता है, वैकेंट ऑर्बिटल जिसमें होगा वो लुईस एसिड, लोन पेयर वाले को लुईस बेस कहलाता है। अब इसमें क्या होता है, वाटर वाला जो पार्ट है, वाटर में लोन पेयर होता है, वो इस पर क्या करता है, लोन पेयर इस पर अटैक करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, तो ये अटैक करने के बाद ये क्या बनाता है, यहां पे देखोगे तो इस केस में क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन पे यहां पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन पॉजिटिव, नेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, उस केस में क्या होता है, ऑक्सीजन खुद को स्टेबल करने के लिए ये H प्लस आयन क्या होता है, लूज कर देता, H प्लस आयन लूज कर देता, ये तो अपना H प्लस आयन नहीं है, सेल्फ का नहीं है, तो उस केस में ये क्या होता है, ये जो बनाता है BOH4- एक OH, 2, 3, 4 और इसके ऊपर ओ ए प्लस के फॉर्म में जाएगा, तो ये इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस, और क्या हो जाता है, H प्लस आयन, तो ये H प्लस आयन जो डोनेट करता है वही इसका बेसिसिटी कहलाता है, तो बेसिसिटी इसका कितना होता है, 1। इस ये मोनोबेसिक होता है, और इस केस में हमको याद रखना होगा कि ये सेल्फ प्रोटॉन डोनेट नहीं करता, ये वाटर से डोनेट होता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, बोल रहा है द रिएक्शन दे रखा है, बोल रहा है इज एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या रेडॉक्स रिएक्शन है, डिसप्रोपोनेशन है या डिकम्पोजिशन है। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, टूटना। डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन मैं कल उस दिन बताए हुए थे कि अपना से एक हायर शो करे और अपना से एक लोअर शो करे, वैसे रिएक्शन क्या बोले थे, डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, क्लोरीन एक्स मानोगे, ऑक्सीजन -2 होगा इक्वल टू -1, यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, 2 -1, यानी क्या आ जाएगा, +1, यानी ये क्या दे रहा है, +1। यहाँ पे एक्स मानोगे, यहाँ पे x मानोगे, ऑक्सीजन क्या होगा, -2 × 3 इक्वल टू -1, 6, तो x इक्वल टू इधर जाएगा तो 6 - 1 इक्वल टू x इक्वल टू क्या दे रहा है, +5, यहाँ पे क्या आ जाएगा, +5, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या देखा है, -1। अब देखो ये +1 से +5 पे जा रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज ऑक्सीडेशन, और ये +1 से किस में जा रहा है, माइनस में, क्या हो रहा है, रिडक्शन। लेकिन यहां क्या हो रहा है, सेम से ही हो रहा है, क्लोरीन क्लोरीन, तो हम बोले थे जब सेम से हो
अपने से एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दे और अपने से एक लोअर दे, तो देखो प्लस वन से माइनस में भी जा रहा है, माइनस वन में, और प्लस वन से प्लस फाइव में जा रहा था। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन। क्लियर? ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये सब नहीं होने वाला। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब टूटना, ए बी कंपाउंड है तो क्या बनेगा, ए और बी, इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट के आई थ्री ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन बताना है। तो इस केस में अगर आयोडीन को एक्स मानते हैं, आयोडीन को अगर एक्स मानते हैं तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाए, थ्री एक्स, और पोटासियम क्या होता है, वन, अल्कली मेटल है इक्वल टू जीरो, अल्कली मेटल कितना होता है, वन। हेलिना का रब से फरियाद, हाइड्रोजन कितना होता है, वन, यानी इस फैमिली के जितने भी हो सभी का बैलेंसी थ्री होगा, तो टू कॉमा वन, इस फैमिली के जितने भी होंगे सभी का बैलेंसी क्या होगा, वन। यानी यहाँ पे क्या आ रहा है, वन, तो यहाँ वन प्लस थ्री एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ पे एक्स इक्वल टू वन लाओगे तो क्या आएगा, माइनस वन बाई थ्री। इसको बोलते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, बट यहाँ पे आयोडीन का अगर सेपरेट ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता है तो इसको हम लोग रिएक्शन से सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग किसे सॉल्व करते हैं, रिएक्शन से। के आई थ्री इज गोज विथ, अगर हीटअप करते हैं तो ये क्या बनाता है, के आई प्लस आई टू। तो इस केस में आयोडीन का दो दो ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। हम बता रखे थे कि जो नेचर में एग्जिस्ट करता है या कंबाइंड स्टेट में होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, जीरो। उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, जीरो। और इस केस में प्लस पोटासियम के ऊपर प्लस चार्ज और आयोडीन के ऊपर माइनस चार्ज, यानी यहाँ पे आयोडीन क्या आ जाएगा, माइनस वन, और यहाँ क्या है, प्लस वन। यानी आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दे रहा है, एक जीरो और एक माइनस वन। ये आई टी जेई का आया हुआ क्वेश्चन। उसका क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है, फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट SCN, एक कार्बन का और एक बार नाइट्रोजन का। तो इस केस में SCN को हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, HC ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, प्लस वन, और नाइट्रोजन क्या बनाता है, माइनस थ्री, तीन एक्सेप्ट करता है। तो उस केस में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा, प्लस टू। ये सिंपली है, प्लस माइनस सॉल्व हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू कार्बन का क्या आ जाएगा, प्लस टू। सॉल्व कर सकते हैं, कार्बन को अगर एक्स मानोगे, हाइड्रोजन क्या होगा, वन, और यहाँ क्या होगा, थ्री इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू क्या दे देगा, प्लस टू। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल है, इसी में नाइट्रोजन का फाइंड आउट करना। तो हम लोग जानते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, आइसोसाइनाइड। ये साइनाइड बना तो ये क्या बनाएगा, आइसोसाइनाइड विथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, प्लस वन, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच क्या बना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हमको यहाँ पे पता है कि नाइट्रोजन और कार्बन, यहाँ पे दो बॉन्ड है तो दो बॉन्ड के चलते कार्बन क्या बनाएगा, माइनस टू, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, यहाँ पे अगर ये कार्बन प्लस टू बनाएगा तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, माइनस टू, और हाइड्रोजन प्लस वन बना रहा है तो इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस वन। अभी कार्बन और नाइट्रोजन और कार्बन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम कौन सा है, तो हम लोग जानते हैं कार्बन और नाइट्रोजन लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, इंक्रीज करता है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरिन, ये कितना होता है, फोर। ऑक्सीजन क्या होता है, 3.5, ये 3, ये 2.5। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम कौन सा है, ये। जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो जीरो होता है। यानी ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस बॉन्ड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, जीरो। तो यहाँ पे दो ही बॉन्ड आएगा, तो दो बॉन्ड के चलते यहाँ पे क्या आया, प्लस टू, तो उसके चलते इधर साइड नाइट्रोजन पे क्या आएगा, माइनस वन, और हाइड्रोजन पे क्या आया, प्लस वन, तो इधर क्या बना, माइनस वन। तो ओवरऑल नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया, माइनस थ्री। क्लियर, ये भी बेस्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट है Fe3O4 हेमेटाइड मैग्नेटाइड वाला केस। अब इसको सॉल्व करने से पहले इसको रब किया जाए,
नेक्स्ट क्या है, Fe3O4। Fe3O4 में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओगे तो क्या आएगा, आयरन को 3x मानोगे तो 3x, ऑक्सीजन क्या लिखोगे -2×4=0। यहाँ पे x वर्ल्ड अगर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 8/3, जो ये कहलाता है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, लेकिन आयरन ऑक्साइड जो है वो मिक्स ऑक्साइड होता है, तो ये दो पार्ट में बनता है, एक FeO बनाता है और एक Fe2O3 बनाता है। तो इसके चलते ये -2 होता है तो ये क्या बनाएगा +2, और इसका ट्रांसफर इधर कर दो तो आयरन, और इसका ट्रांसफर इधर तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा +3। तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट दो आ जाता है, एक +2 के फॉर्म में और एक +3 के फॉर्म में। यहां पे क्या बोला है, CH3 ट्वाइस सल्फर ओ, यहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है, तो हम लोग को पता है सल्फर को क्या मानते हैं, CH3 ट्वाइस SO, सल्फर को X मानेंगे। अब एक चीज याद रखना, CH3 इसके ऊपर हमेशा एक CH4 होता है मीथेन, अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, एक +1 का, तो इसलिए इसके ऊपर चार्ज क्या आता है +1 का, या C6H5 बेंजीन होता है, अगर उससे एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो उसके ऊपर भी एक चार्ज प्लस आ जाता है, तो इसका भी वैलेंसी क्या होता है +1, लेकिन C6H6 होता तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है 0। क्लियर, अब यहां पे क्या है CH3, तो इस केस में इसको क्या लेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट +1, जो चार्ज होगा यहां क्या लिखोगे 1×2 प्लस सल्फर एक्स, ऑक्सीजन -2=0, यहां पे एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा +2 और -2 क्या हो जाएगा 0, यानी एक्स इक्वल टू क्या आ गया 0। उसी तरह C6H5NO2 का सॉल्व किया जाए तो यहां पे क्या लिखोगे C6H5NO2, नाइट्रोजन का निकालोगे तो यहाँ पे C6H5 क्या बताए थे 1 होता है, नाइट्रोजन एक्स, ऑक्सीजन -2×2=0 क्या लिखोगे 0, ऑक्सीजन क्या होता है -2, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा -4, 1 से सब्ट्रैक्ट होगा क्या बचेगा +3। यहाँ पे भी सॉल्व करते हैं, सल्फर को क्या मानोगे एक्स, Na2H2O3, सल्फर को X मानो तो ये क्या हो जाएगा ट्वाइस X, सोडियम क्या लिखोगे 1×2 अल्कली मेटल है, ऑक्सीजन क्या लिखोगे -3×2। यहाँ पे सॉल्व किया जाए तो क्या लिखोगे 2+2X=-6=0, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा क्या बचेगा -4, और X इक्वल टू क्या बचेगा -4 उधर जाएगा तो +4/2, X इक्वल टू क्या देगा +2। क्लियर, लास्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है जो जेई एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है, जेई के अंदर ये पूछ रहा है द पेयर ऑफ कंपाउंड हैविंग मेटल इन देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब पेयर में बताना है कि किसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा पेयर में। तो सबसे पहले यहां पे Mn को अगर एक्स मानते हो, ऑप्शन चेक करते हैं, अगर एक्स मानते हैं तो ऑक्सीजन क्या होता है -2×2=0, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा +4। यहाँ पे क्या आ गया एक्स, यहाँ पे हेलोजन क्या होता है -1 × 3=0, क्या लिखोगे 0, तो एक्स इक्वल टू क्या देगा +3। तो पेयर में भी बोल रहा है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो पेयर ये दोनों पेयर क्या हुआ, एक 3 हो गया एक 4 हो गया। अब इस केस में अगला Mn को एक्स मानो, ऑक्सीजन -2×4=, क्या लिखोगे -1, यहाँ पे x इक्वल टू सॉल्व किया जाए तो कितना आ जाएगा प्लस, मतलब ये कितना आ गया -8, उधर जाएगा क्या होगा +8, -1, x इक्वल टू क्या आ गया +7, यानी Mn क्या शो कर रहा है +7। और इसको सॉल्व करोगे तो क्रोमियम x, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा -2×2 और -1×2=0, ये -4 और -2 = 0, x इक्वल टू क्या दिया +6, यानी ये क्या दे रहा है क्रोमियम +6, हाईएस्ट में दे रहा है। और यहाँ निकेल का अगर सॉल्व किया जाए तो निकेल क्या देगा x, हेलोजन फैमिली -1×4=-2, तो x इक्वल टू क्या देगा -4, उधर जाएगा तो +4, 2 से सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या देगा +2, यानी निकेल ये क्या देने वाला है +2। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये x हेलोजन फैमिली -1×4=, क्या है -1, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या दे देगा +3।
यहाँ पे अगर सॉल्व किया जाए तो क्या देगा, x साइनाइड माइनस वन इंटू सिक्स इक्वल टू माइनस थ्री, तो x इक्वल टू क्या दे देगा, माइनस सिक्स, उधर जाएगा तो प्लस सिक्स, ये प्लस थ्री, तीन से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे x माइनस वन इंटू थ्री इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू क्या देने वाला है, प्लस थ्री। तो हाइएस्ट ऑक्सीडेशन ऑफ पेयर में किसका है, B सेवन एंड सिक्स, हाइएस्ट किसका है ऑक्सीडेशन स्टेट पेयर में, सेवन एंड सिक्स। बाकी बात सभी का क्या है, एक का थ्री है तो एक का टू है, इधर फोर और थ्री है, इधर थ्री थ्री है, तो सबसे हाईएस्ट किसका है, सेवन एंड सिक्स।